नंबर एक। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज इन्वोक करेंगे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर दो, जनाब स्पीकर बड़ी अहम बात की है, मुझे मालूम है वो करने, ठीक है जनाब स्पीकर, यहां पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उबो खड़ावल। उबा खड़ावल का मतलब यह होता है जनाब के पानी को गदला करना। वो गदला करना वजह क्या है? जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीकाकार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है DGIISPR साहब के दफ्तर में। जो उनका तरीकाकार था, जो उनका डिलीवरी था, जो उनकी आवाज थी, माशाल्लाह DGIISPR साहब आपने अच्छा अपना शागिर्द ट्रेन कर दिया। और मुझे एक झलक आ रही थी जनाब स्पीकर, मुझे एक झलक आ रही थी कि इनके नाना साहब और मेरे दादा साहब वहां पे अयूब खान साहब वर्दी में बैठे हैं और साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो एक तस्वीर में वो ओथ ले रहे थे बेसियत वजीर 1958 में, तो वो झलक नजर आ रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी अच्छा ट्रेन कर रहे हैं DGIISPR साहब। ये तो बात यहां पे आ गई। अच्छा अभी जनाब वाला, जनाब स्पीकर हम लोग आगे बात करते हैं। जो बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से, आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट कंडेम इन इट्स एंटायरिटी। एक एक चीज जो उन्होंने बात की है उसको मैं कंडेम करता हूं। मेरा कायद न झुकने वाला है, वो फखर के साथ जेल में बैठा है, वो अपने असूलों पे कायम है, वो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम उम्मा के लिए कायम है जनाब वाला, ना कि अपनी इस कुर्सी के लिए वो जाके किसी DGIISPR के साथ जाके उससे ट्यूशन ले। जब स्पाइक आ जाए तो ये उसको सल्यूट करेंगे, समझेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल आ गए। इनको क्या मालूम है जनाब स्पीकर फौजी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आ जाए जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर यहाँ पे आते हैं, बात आगे आगे बात आते हैं। अभी सब्सटेंशियल बातें ये देखें, ये आपकी जनाब स्पीकर मैं रिपोर्ट्स यहाँ पे लेकर हूं, ये रिपोर्ट्स ये देखें, ये रिपोर्ट्स देखें, ये सब की सब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हाउस में ले हुई थी। इनमें से एक किताब ये है, यह आपकी अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। हम लोग मोहब्बे वतन लोग हैं, मैंने आईने पाकिस्तान का यहाँ पे हलफ उठाया है कि मैं इस आईने पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा, जो चीज अच्छी होगी उसका अच्छा कहूंगा, जहां पे जिस चीज में असलाह करनी है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं हाउस में पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं वाजे तौर पर बात कर चुका हूँ कि इस वक्त आपका एक डिफेंस सर्विसेज का यह किताब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शाया की है। इसमें तकरीबन आपके जनाबे वाला इसमें 367 पेजेस की यह किताब है, और भी किताबें हैं ऑडिट पैराज और इसके हाईलाइट में बताता हूं कि ऑडिट्स जो आई हैं 566 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आई हैं। ये 1950, ये सिर्फ एक साल की मैं बात कर रहा हूं और अगले साल भी है। इसमें जनाबे वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तकरीबन आपका जो चीजें हाईलाइट की गई हैं, नॉन रिकवरीज, ओवर एंड एडवांस पेमेंट्स, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इरेगुलरिटीज, losses to the state, non-production of records, और ये जनाब स्पीकर ये डिफेंस का सिंगल लाइन बजट होता है। इस पे आपके जो इदारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, ये सब के सब हैं। और सबसे जो तश्वीशनाक बात है जनाब स्पीकर, 1985 से लेके अभी तक तकरीबन 660 डायरेक्टिव्स जो हैं वो निकली हैं और सिर्फ कंप्लायंस जो आपके बल्कि 1974 डायरेक्टिव्स निकली हैं आपकी, उसमें से कंप्लायंस सिर्फ 33% का है। तो हाउस को ये बताना चाहता हूं आपके तवसत से कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंप्लायंस को फेल कर दिया है 33% अभी तक। जनाब स्पीकर, ये हमारा इस हाउस का काम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि जो हम लोग फाइनेंस बिल पास करते हैं उस पर नजरसानी करेंगे, पब्लिक का पैसा है। जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं बात करता चलूं कि इधर मुख्तलिफ जगहों में बदनवानियां जो हुई हैं उनको ऑडिटर जनरल ने हाईलाइट किया। अभी सितम जरीफी यहाँ पे आती है कि ये चीज़ें यहाँ सिविलियन महकमे में होती तो उस महकमे के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अकाउंट अफसर और बाकियों को अंदर कर दिया जाता। अभी तक क्यों इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ये हमारा सवाल है और हम लोग सवाल पूछते जाएंगे। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं कि DGIISPR साहब हमेशा कहते होते हैं कि हमारी इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी होती है। खुदारा अपनी इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी ठीक करे। मेरी कौम का पैसा, आपकी कौम का पैसा, उसके बारे में बात करें। ये किताबें, ये पलंदे, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, इस पे जरा नजरसानी करे। पाकिस्तान के मेहनतकश सिपाही, आपके यंग अफसर और बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे जनाब स्पीकर हमें अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और सही तरीके से हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आखिर में मैं जो बात करूँगा, यहाँ पे जो वीगो डाले आए थे, मैं जनाब स्पीकर आया सादिक साहब का अपनी पार्टी की तरफ से भी मशहूर हूँ। उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई, उसकी अभी भी मीटिंग हुई है, मुख्तलिफ शाह साहब उसको, खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। एक स्पेशल कमेटी, एक दूसरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वो कौन से खुफिया एजेंसी के लोग थे जिन्होंने हिम्मत की कि वो पार्लियामेंट हाउस के प्रीसेंट्स के अंदर आए और उन्होंने धावा बोला और उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट हाउस पे। हम लोग सार्जेंट एट आर्म्स तक नहीं सेटिस्फाई होंगे। अकाउंटेबिलिटी ऊपर से होनी चाहिए। शाहबाज शरीफ को ISI और IB रिपोर्ट करती है, जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट करती है। जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों आप अपने मुतलका DGs को बुलाएं और इस चीज का तयन करें कि किस शख्स ने पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला और उसको फिल्फ और उसकी नौकरी और उसके नीचे जो एहलकार थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे धावा बोला उनको फिल्फ और उनके खिलाफ एक्शन लें और टर्मिनेट करें कि आइंदा ऐसी बात कभी ना हो। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हमारे अली अमीन खान गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK, उनके साथ हम लोग खड़े थे और हम लोग सारे के सारे खड़े हैं क्योंकि वो हक पे है, वो हक पे है। और यहाँ पे जनाबे वाला अवाम की मैंडेट वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ है। आखिर में मैं एक बार फिर कहूं कि जनाब रूल्स और प्रोसीजर का आप उसको फॉलो करें। ये फॉर्म 47 मैंडेट को हम लोग और पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। आज पाकिस्तान कौम की आंखें वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ हैं। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क में इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए, मुल्क में शफाफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा आपकी एक मजबूत हुकूमत आएगी, आपका आइन और कानून की पासदारी होगी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगा, मुल्क में भूख और अफलास खत्म होगा, मुल्क तरक्की कर सकेगा। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है और मैं रब ने चाहा इंशाअल्लाह वो बनेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें।